कर दूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, और डे थ्री आज हो चुका है, थर्ड डे। तो आज देखते हैं क्या होता है। और पता नहीं यहाँ पे नींद मतलब अच्छी आती है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ चले जाओ कहीं, यहाँ पे चढ़ाई कर लो, पहाड़ पे चढ़ लो, तो नींद अच्छी आती है। तो मैं कर रही थी एडिट वीडियो, ठीक है, तो मैं भी देख रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं वॉशरूम भी गई। तू भी गई थी एक बार? मैं नहीं गई थी, ये 10 बार का पेट खराब हो गया, ये गए थे पालक खा के। मैंने पहला थी इनको याद नहीं आया कि मैं पस्ता नहीं खा रहा। गाखू की मालिश करी है, क्या कर रहे हो मालिश करिए? हम ना कुह को सुला के जाएंगे जिससे कुह रोए ना ना। गाइस हम थे रेडी मॉल जाने के लिए, बट मौसम ने कर दिया हमारे साथ धोखाधड़ी। हम थे रेडी मॉल जाने के लिए, मौसम ने कर दिया हमारे साथ धोखाधड़ी। तब हम मॉल नहीं जा पाएंगे क्या? प्लीज़ बारिश रुक जाओ, बारिश आने लग गई। मैं दिखा रही हूँ, वेट। अब कैसे जाएंगे हम? अब हम मार्केट नहीं जा पा रहे, हम मॉल जा रहे थे। हाँ नहीं, इधर इधर। अब कैसे जाएंगे? बारिश को रोको, ये रुक जाएगी बारिश, मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं आएगी। अभी वैसे इसने यहाँ की बारिश देखी नहीं ना, तो तब घर से बाहर निकलना भूल जाएगी। गाइस ये गलत बात है, देखो ये ना। हम थे रेडी जाने के लिए और हमारा हो गया स्यापा, पोपट पोपट हो गया, पोपट पोपट बिल्कुल एंड टाइम पे। हम पूरे रेडी थे, बस ऐसा हाल हो रहा है। अभी देखिए यहाँ कैसी बारिश है, देखो अब ये बारिश पूरे दिन रहेगी ऐसे ही, देखना। दिखाती पर ये आगे से क्या और गया, तो दैट्स हाउ आई लुक लाइक। बट हाथ में दर्द गया, पकड़ो देखो, कैमरा नहीं पकड़ा जाता इन लोगों से, टेढ़े लोग। जाओ अब तेरी बारी, अब तेरे में भी देख कैसे दिखाती हूँ मैं। ओह माय गॉड, आप सुन रहे हो? तो हम सब रेडी थे, बट पर मुझे लगता है रुक जाएगी। आई जस्ट विश कि रुक जाए यार, रुक जाओ प्लीज, हमको जाना था। मौसम देखो जिसका सबसे गंदा है वो बोल रहेगी, मेरा सबसे अच्छा है। इतनी तेज हो रही है ना, इतनी तेज हो रही है ना। ही इज जस्ट 9 years old एंड मतलब इतनी तेज हो रही है ना, मतलब एक बार हमने इसको गलती से ही बोल दिया कि वाह बड़ी कितनी तेज अच्छा, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये पहन नहीं रही थी, इसका आया था तो इसको हमने ऐसे बोल दिया। तब से शी इज लाइक कि हाँ भाई आई एम द बेस्ट, एंड ये वाला स्पेक्स पहन के तो मैं बहुत ही माना कि लगती है, बट इतना भी नहीं कि हमको ऐसे बोल रही है। बहुत तेज है 9 years की है, बट 90 साल की। सो गाइस हम मार्केट जाने के लिए रेडी हैं, जबकि रुक गई थी पूरी तरह से, रुक गई थी। हाँ पूरी तरह से रुक गई थी, और जैसे अब हम जाने के लिए निकले ही हैं घर से, फिर से स्टार्ट हो गई है बूंदाबांदी। अब भगवान जाने क्या होने वाला है। एक अम्ब्रेला तो लेके आए हैं, बट और प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिफ्ट नहीं मिलती है, आई मीन गाड़ी नहीं, लिफ्ट कह रही हूँ, गाड़ी नहीं मिलती है, यहाँ से जाती नहीं है। तो अगर गाड़ी मिलती ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई जस्ट विश कि आज मिल जाए। और फिर से हम चढ़ रहे हैं ये स्टेयर्स एज यूजुअल, जो हमें यहाँ तक तो सब नॉर्मल लगती है, इससे ऊपर भी नॉर्मल है। मेन जो आती है ना लास्ट के 4 सीढ़ियाँ, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है चलना। और अगर बारिश होगी तो मैं कम ही शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मास्क पहन लेते हैं लगाया हुआ है। ये तो मास्क पहनती है अपने चिन को कवर करने के लिए, आई डोंट नो कि पहनती क्यों है। चलो अभी मैं करती हूँ, कनेक्ट ऊपर पहुँच गए गाइस, हम ऊपर तो पहुँच गए जैसे जैसे, लेकिन बारिश बढ़ गई है। हाँ वैसे सच तो इसका भी मज़ा अलग है, बट इससे नहीं रहती है तो चल भी जाता है, लेकिन अगर इससे तेज हुई तो से आपका हो जाएगा। तुम दोनों दिख नहीं रहे, तुम ऐसे दिखोगे। लिफ्ट लेनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
तो हमें करबला तक लिफ्ट लेना है। एनी हाउ मैं थक चुकी हूँ। ऊपर को भी जाओगे बाजार को मॉल करबला तक जाओगे? हमें लिफ्ट मिल गई है, अंकल ने लिफ्ट दे दिया है तो लकी थे हम। बड़े थैंक यू अंकल। चलो अब हमारी जर्नी यहाँ से है वॉक करने। मुझे थोड़ा तेज बोलना होगा क्योंकि आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। अब यहाँ से देखो लिफ्ट मिलती है फिर से कि नहीं मिलती है, या वॉक करना यहाँ से भी तो बहुत बड़ा रास्ता है, आई मीन लंबा रास्ता है। अभी लिफ्ट मिलती है ना तब हम आपसे बात करते हैं, अदरवाइज वॉक करना पड़ेगा। तब तक यू नो थक जाते हैं वॉक करते करते बातें करते करते। लेट्स सी ये अंकल हमें ड्रॉप करते हैं कि नहीं। ठीक है मॉल तक बोलो अंकल, बात करके देख लेते हैं। मॉल तक ड्रॉप कर दोगे? मॉल तक ठीक है, लिफ्ट मिल गई है। कल जब मार्केट गए थे तो पूरा हम वॉक करके गए थे, हमें कोई लिफ्ट नहीं मिली और उस साइड आई गेस कम जाती है गाड़ियाँ, और हमारा टाइमिंग जो भी था फिलहाल कम जाती है, वॉक करते करते थक भी गए थे। गाइस अगर आप मार्केट की साइड आते हैं मॉल की साइड तो यहाँ आकाशवाणी है रेडियो जॉब की है ना, तो उसकी फ्लाइट्स है वो जो अभी आप देख रहे हो। अभी हम पहुँच चुके हैं मॉल, अल्मोड़ा में भी है मॉल। लेट्स गेट आउट एंड लेट्स सी कि सो मॉल कुछ इस तरह का फ्रेंड्स मतलब आपको मोती महल ज्वेलर्स सब मिलेगा। मोती महल ज्वेलर्स भी है नहीं अपने घर। राइट में अगर आप देखोगे तो ट्रेन है। अभी हम जाएंगे यहाँ पेंटालून और यहाँ पे थोड़ा सा वैसे आइटम बॉक्स ठीक है नाम तजबीज और ये सब आप देख सकते हो। सिनेमा भी है यहाँ पर बट आई गेस बंद है। फ्रोजन हॉट और ये छोटे मोटे ऐसे ये वैसे ये मॉल को मैंने खाली ही देखा यार, नो क्राउड जो डेकोरेट कर रखा है वो अच्छा कर रहा है। यहाँ ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिल रहे, हम यहाँ आए क्यों हैं? भी नहीं है यहाँ गाइज, हमें यहाँ कुछ नहीं मिला मतलब ठीक है यू नो खाने का जो जिस पर्पज़ से हम मेनली आए थे मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, तो अब चलते हैं। यहाँ पे ना ई रिक्शा चलता है पर एक ई रिक्शे का एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ यहाँ से मार्केट तक जाते हैं मार्केट से यहाँ तक, किसी को इससे आगे जाना है यहाँ से तो इंसान चले ही जाएगा ना, यहाँ से तो चले ही जाता है इंसान। जा रहे हैं चल लेते हैं, बहुत सॉलिड वाला चूर है बट ठीक है। अभी हमको ई रिक्शा भी मिल गया इस बार और यहाँ का ई रिक्शा थोड़ा सा अलग होता है एज कम्पेयर दिल्ली का, बट ये हम कैसे एडजस्ट करके बैठे रुको मैं दिखाती हूँ हम कैसे बैठे ठीक मतलब जगह नहीं है पर हम एडजस्ट करके बैठे। ये सारी जगह इसने ले ली है मैं मजाक कर रही हूँ गाइस लेकिन या यार ये बहुत चुप रहा है ये दो वाला ही है बिठा लेना अपने, ये एक्चुअली हम दो वाला हम तीन ने एडजस्ट किया हुआ है, दो वाला होता है ना हमने तीन ने एडजस्ट किया हुआ है, या पतले पतले तीन बैठ सकते हैं आप लोगों की तरह। तो अभी हम इन लोगों के साथ बैठे हुए तो इनकी तरह पतले पतले तो तीन आ सकते हैं हमारे में एक अंकल जी भैया बैठे थे इतना बड़ा तो उनका पैर था वो रह गया मेरी गोद में इनका ही बाबा कहते हैं पहाड़ में बोलते पहाड़ में भी हम लोग अच्छी गिरा देते हैं बोलते अरे ज्यादा भारी हो गया क्या मैं भी चुप मैंने कहा क्या बोलूं आपसे खाली अच्छा ही मुझे उनको जैन से उठे उनको समझदारी हाँ थोड़ा वो पैर भी ना ऐसे करके बैठते हैं थोड़ा सा बैग भी रख दिया और बैठते भी वो लोग हम जैसे हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं एडजस्ट करके वो लोग पैर खोल के मोटे हो गए तो ना जैसे तुम दो पीछे बैठ जाओ और ये थोड़ा सा आगे कुछ जैसे हमने एडजस्ट किया आगे पीछे ऐसे भी बैठ जाते फिर ऐसे करके बीमार हो गए ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं ना हम आ गए ना। पर गाइस एक बार देखो अब हम जब मॉल में थे तो वहाँ बारिश नहीं हो रही थी और हम इस साइड आए तो फिर से यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई भी बारिश हो गई ये तो गलत बात है यहाँ घूमेंगे हम मौसम है यहाँ कब क्या मुझे पता ही नहीं चलता रहता गाइस बारिश आ रही है मौसम खराब हो गया है हवा भी आ रही है और अब हम क्या करें वी हैव नो आइडिया नहीं हो सकता
यहाँ तो कुछ है ही नहीं गाइस, ये बड़ा बेकार हुआ। मतलब एक्चुअली हम लोगों का टाइम फॉरगेट हो गया है। सीधा बेकार वाला व्यू, यहाँ तो लाइटिंग शाइटिंग सब चली जाएगी। हम गीले हो चुके हैं और अब क्या करें गाइस, यहाँ पे बारिश हो चुकी है बुरी तरह से स्टार्ट, और मुझे यहाँ पे इन्होंने मतलब बोल दिया नीचे आ जाओ रुकने के लिए, और वो हम बिछड़ चुके हैं, परी और गीता वहाँ चले गए हैं ऊपर की साइड। मैं जा नहीं सकती बिकॉज आप देख सकते हो कि ऐसा हाल हो चुका है और यहाँ पे बड़ा भयंकर होता है, रिस्क है। परीन बैंगल शॉप है ये, और कॉस्मेटिक की अगर किसी को लेना हो अल्मोड़ा में आना हो मार्केट में तो यहाँ से ले सकता है, सब कुछ है यहाँ पे। नॉट ओनली कॉस्मेटिक, यहाँ पे आपको पर्स यू नो और मतलब काफ़ी कुछ है, गिफ्ट्स वगैरह टेडी बियर्स ये सभी मिल जाएगा। तो अभी इन्होंने मुझे यहाँ बोल दिया रुकने के लिए, थैंक यू। हम बाकी देखते हैं कब तक रुकता है और कब तक हम ऊपर तक जाते हैं। हम पक्का डांट खाने वाले हैं कि हम क्यों आए जब वेदर आज ख़राब था। माय गॉड, आप देख सकते हैं यहाँ का कैसा हो रखा है, कैसे जाएंगे हम। ओ गॉड, ये तो अंदर भी आ जाएगा पानी यहाँ से, फिर कहाँ भागेंगे हम। गाइस यहाँ पे अब फाइट हो रही है दुकान यहाँ के लिए। हम जाएंगे कैसे, सबको फोन करो रे। गाइस पानी अंदर आने लग गया है। ओहो, और ये पानी ना स्मेल भी कर रहा है क्योंकि ये पानी मुझे लग रहा है पॉट वॉक से। ओह गॉड यार, ये बड़ा गलत होता है पहाड़ में, जब बारिश आती है तो भयंकर तरीके से आती है। गाइस हम आ गए हैं शिव मंगलम में। तो कल का जो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस। तो ये है शिव मंगलम और ये है काफ़ी यहाँ पे फेमस, अगर जो अल्मोड़ा मार्केट में आता है। मेरी सांस फूल गई ऊपर आते आते, ऊपर बैठते हैं और देखते हैं क्या है कैसा है। कपड़ों की बुरी हालत हो चुकी है मेरे तो क्राउड रहता ही है यहाँ पे, और हम बैठने वाले हैं, थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं शिव मंगलम में और अभी कुछ नहीं दिया, देखो क्या फेमस है क्या है। हम आ चुके हैं शिव मंगलम में, आपको मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही आई डोंट नो, और देखते हैं यहाँ का कैसा है और ये कसाकस भरा हुआ है। तो टिक्की भी अच्छी है, हाँ यहाँ। चलो दही बताशी भी कर दो एक प्लेट। अब देखो पहले टेस्ट इतना कुछ खास नहीं था, पर आज अब कैसा है मैंने सुना है कि अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स की तारीफ सुनी है, डोसा की तारीफ सुनी है और टिक्की की, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो अब टेस्ट बदल चुका है, अच्छा हो चुका है। तो मोस्टली लोग आते हैं, ये तीन चीज़ें तो सब खाते हैं, तो लेट्स हम भी ट्राई करते हैं। आज ऑर्डर दिया हुआ है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है और ठंड ज़्यादा लगी इसलिए जीप फड़फड़ा रही है, लड़खड़ा रही है। आ गई है नूडल्स, अभी ट्राई करके देखते हैं कैसी बनी है और कैसा इसका टेस्ट है। बाकी चीज़ें अभी आ रही हैं, पहले हम परी को मिलते हैं। एंड नाउ टेल मी हाउ इज़ द टेस्ट, सच्ची वाला आंसर देना। अब आप खाएं करके, और ये लिया इन्होंने नूडल्स और खाया, और टेस्ट के बारे में कुछ बताएंगे, टेस्ट बताएंगे आप। स्पाइसी I'm feeling high. यम, और जिसको स्पाइसी पसंद है तो ये नूडल्स आप आके खा सकते हैं। कैसा है टेस्ट? यम्मा। हाउ इज द टेस्ट?
और ये आ गए हैं दही बताशे। और यहाँ पे ये दही बताशे में ऐसा भी है और उसके बाद ये दो तरह के पानी मिलते हैं। एंड लेट मी टेस्ट दिस भटूरे। अभी एक चीज और आने वाली है, फिर वो भी बताते हैं कैसा है टेस्ट। अब मुझे एंजॉय करने दो गाइस। ये आ गया है यम्मी सा दिखने वाला पनीर डोसा। तो इसके साथ ये ग्रीन चटनी रेड वाला एंड ये ग्रेवी। लोगों के मुंह में पानी आ रहा है ना, आई एम श्योर आ रहा होगा। तो जब भी आप आएँ और यहाँ ट्राई करें, मोस्टली लोगों को जो यहाँ के उन्हें तो पता ही है कि इसका टेस्ट कैसा है, बट जो नहीं है वो आएँ विज़िट करें और मज़ा उठाएँ खाने का। और अब मुझे भी उठाने दो। मैं ऑनेस्ट रिव्यू करने वाली हूँ। ऑनेस्ट तीन तरह की चटनी है गाइस, मैं दो बोल आपको लग रहा हूँ मैं मजाक करूँ, मैं जेन्युइनली टेस्ट अच्छा है। या गाइस हमने जो भी ऑर्डर किया है यहाँ शिवमंगलम में, हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिले हैं। व्हाट इज दिस? पनीर रोल यहाँ के, और देखने में बहुत यम लग रहे हैं, यम लग रहे हैं यम। अभी दिखाते हैं, अभी टेस्ट बताते हैं आप लोगों को इसका कैसा है, और विद ग्रीन चटनी। और पहले तो मैं ये बता दूँ सच में कि यहाँ का जो टेस्ट है पनीर डोसा का, चाउमीन का भी मस्त है, नूडल्स भी मस्त है, एंड दही बताशे खाए हैं वो भी यम है, भटूरे भी अच्छे हैं, नो डाउट। ऐसे फीके हैं, मतलब जिसे कम स्पाइसी पसंद होता है, बट मैं ये नहीं कह रही कि टेस्ट बेकार है, टेस्ट अच्छा है, बट एज कम्पेयर जो हमने और चीज़ें खाई हैं उसके मुकाबले। नाउ लेट मी ट्राई दिस एंड देन इट लुक्स यम्मी, सी। नाउ लेट मी डिप दिस इन टू ग्रीन चटनी एंड या वाओ, मतलब ये क्रीमीनेस, इसका जो टैंगी फ्लेवर आ रहा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, लविंग इट। तो मुझे ना प्रॉपर इन्जॉय करने दो। हमने सोचा था, मतलब मैंने सोचा था मैं यहाँ आ रही हूँ तो मैं तो वेट लॉस करूँगी, बट क्योंकि हम फूड ब्लॉग भी कर रहे हैं साथ में, जहाँ जहाँ हम विजिट कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं ब्लॉग। और अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री में हमें जैसे कि ये मिला पनीर रोल, साथ में हमें मिले रस मलाई, और यहाँ की शिवमंगलम की अल्मोड़ा में शिवमंगलम का ये रस मलाई, मतलब एवरीथिंग इज़ फेमस इन शिवमंगलम। मतलब मैं टेस्ट कर रही हूँ, आई एम लविंग इट। तो या अभी बताते हैं आपको गाइस, अभी बताने वाले टेस्ट इसका। परी कैसा लगा टेस्ट? और अभी हम मतलब लिटरली हमने इतना खा लिया है, अभी यहाँ से प्लेट्स उठ भी चुकी है, हमने इतना खा लिया है। और टेस्टी मतलब गाइस मैं सच में बोल रही हूँ, शिवमंगलम आना और ट्राई करना। मोस्टली यहाँ के लोगों को सबको पता है, पर जो बाहर से आ रहा है, जो उत्तराखंड विजिट कर रहा है, जो घूमने आया है, प्लीज़ डू विजिट शिवमंगलम। लिटरली हम लोग ऐसे खा रहे हैं मुँह भर भर के। थैंक्स टू अंकल जो यहाँ के हैं, जो हमें साथ में कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हो, यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, मतलब यू नो चीज़ें दे रहे हैं टेस्ट करने के लिए, और जो मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छी है यहाँ की, क्योंकि रसमलाई भी फेमस है, तो पेट में जगह ना होते हुए भी हम ट्राई करने वाले हैं, और पेट में हमारे जगह नहीं है। तो यहाँ पे हम ना चट कर चुके हैं, मतलब हमें इतना यम्मी लगा, हम लिटरली ऐसे है, मतलब हाथ फिंगर्स को चाट रहे हैं। नाउ आई एम गोना ट्राई दिस क्या रसमलाई, जो बहुत ही डिलीशियस लग रही है एंड यम्मी लग रही है। तो या यू वांट टू ट्राई दिस, गो अहेड गाइस। डोंट डिस्टर्ब मी, यम्मी। गाइस हम लोगों ने इतना खा लिया है, मतलब हमें
अभी पता कितना चलना है, पैदल जाने अब हम पैदल ही जाएंगे, पर पैदल चलने की हमारी हिम्मत नहीं होगी। अपनी प्लेट को ऐसे मतलब इसको इतना पसंद आया मतलब शिवा जून लगती है इसकी खाली होने पर ऐसे पलट पलट के स्पून में लेके एक हॉल मजा आया ना, एंजॉय किया। इस टाइम में बनती है कैसे था, मुझे पॉइंट करो 10 out of 10 खाने को बहुत बहुत ना खा लिया कि यहाँ निकल रही अब मैंने ऐसे हाँ सस के और मतलब ना यम्मी की यहाँ वहाँ सब जगह से निकल रही हमने एक्चुअली खा इतना लिया ऊपर से हम इतना हंस चुके जो हमें इतना लगना था इतना लग जाएगा। ये हैंड वॉश करने और मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। टेस्ट बहुत अच्छा था यहाँ का, तो अब अपना बिल ले लेते हैं और नीचे चलते हैं। थैंक यू है, थैंक यू सो मच। और टेस्ट सच में बहुत यम्मी था, और मैंने वहाँ भी ट्राई किया था आपका स्पाइसी हट, वो भी बहुत यम्मी था। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि जो भी अगर अल्मोड़ा आता है मार्केट में घूमने तो शिव मंगलम में विजिट करें और खाएं। और या थैंक यू सो मच, अब पे कर देते जो बैलेंस हमारा बनता है। चलिए चल रहे हैं, बाय, थैंक यू। हाँ रिकमेंड किया है कि यहाँ मंगलसूत्र अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ अपनी मम्मी के लेने के लिए। ये देख ये वाला कपड़े भी आ चुके हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे से थोड़ा सा मम्मी के लिए और एक आंटी के लिए इसकी सासू माँ के लिए हमने एक मंगलसूत्र ले लिया और एक मतलब ले लिया है उन लोगों के लिए। अब देख लेते हैं, अभी आपके शिव मंगलम से आ रहे हैं खा के। हाँ मस्त था, थैंक यू। जब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ विजिट करने के लिए, जो मॉर्निंग में आते हैं और शाम को चले जाते हैं जिस टाइम की गाड़ी होती है, आप देख सकते हैं भीड़ उस साइड। आज तो फिर भी वेदर थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं काफ़ी ख़राब था, इसलिए लोग कम हैं और भीड़ कम है, अदरवाइज़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। लिखा है बेस्ट ब्रदर स्पोर्ट्स बेबी टॉय एंड गिफ्ट सेंटर LR सहार रोड, ठीक है ये जगह का नाम है। और यहाँ पे आपको कुछ भी चाहिए मतलब कुछ भी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड गिफ्ट के पर्पज से एवरीथिंग यू कैन बाय फ्रॉम दिस शॉप। एंड ये भैया हैं, थैंक यू। ये सौंदर्य साबुन निर्मा ब्यूटी पार्लर। गाइस मैंने तो सोचा था कम से कम 5 to 10 minutes लगेंगे, बट ये तो विदिन 2 minutes or 3 minutes शी इज डन राइट फॉर 1 minute, इससे पता चलता है कितनी एक्सपीरियंस है। दैट्स नाइस, तो डू विजिट सौंदर्य पार्लर। अब हम घर को जा रहे हैं, हाँ हाँ अब बेस से पहले ही जाना है हमें, फिर से हमने लिफ्ट लिया गाइस, लिफ्ट मिल रही है फाइनली। वो देखो वो नीचे से हमको देख रहे हैं और हम आ गए हैं, हमारी बारी आ गई है उतरने की यहाँ से। सो गाइस आज हम कहाँ जा रहे हैं, ट्रैकिंग। मैं इनको रास्ता दिखा रही हूँ, तो हम सब जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। चलो गाइस हम आ चुके हैं इस जगह पे, इस लोकेशन में। और मैं इससे नीचे जाने से पहले ना थोड़ा सा डर लग रहा है कि इससे नीचे हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और वैसे नीचे वो सड़क है क्या, क्या है नीचे? नॉर्मल सही तो है। उधर क्या है? वो उधर नीचे से और नीचे का सड़क है, तो करते हैं ना।
ओके सो गाइस, तो हमने ट्रैकिंग कर ली है, मतलब रनिंग वनिंग वीडियोस वगैरह जो भी बनानी थी हमने बना ली है। मजा आया? यस। सो अब यहाँ पे ना बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं जो इतने बड़े बड़े हैं जो हमें कभी भी काट सकते हैं। अब हम चलते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है और मतलब होने वाला है। सनसेट ऑलमोस्ट हो गया, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब ये देखो यहाँ पे चल रही है खुदाई। गाइस आज बना है डिनर में, आप लोग खुद ही देख लो, मटन बना है और जीजू ने बनाया है और ये मैडम ने क्या बनाया है, एक नमक लहसुन ले, मुझे लगा चटनी बनाई है। देखो इतना सारा हम खाने वाले नहीं है, मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, बट हाँ ये बनाया, आप जूम करके देखो पहाड़ी स्टाइल में बनाया गया है ये पहाड़ी मटन, और इसके साथ राइस होता है ना तो और मजेदार हो जाता है ये। हमें एंजॉय करने दो खाना और उसके बाद हम मिलते हैं। और या